यूपी के फतेहपुर जिले में एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जहां सराफा व्यापारी को लेनदेन के मामले को लेकर एक समुदाय विशेष के लोगों द्वारा सर कलम करने की धमकी दी गई। मामले पर स्थानीय पुलिस द्वारा सही कार्रवाई न किए जाने से नाराज सराफा व्यापारियों ने पुलिस अधीक्षक के चौखट पहुंचकर सुरक्षा की मांग करते हुए सरकलम की धमकी देने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग किया और प्रशासन को यह भी चेतावनी दिया है कि अगर सख्त कार्रवाई न हुई तो धरने के लिए मजबूर होंगे। पुलिस की सही कार्रवाई न होने से सराफा व्यापारियों ने आज दुकान बंद करते हुए मार्केट बंद रखी। सराफा व्यापारियों के साथ पहुंचे सनातन धर्म के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, हिंदू की सुरक्षा को लेकर वे कोई समझौता नहीं करेंगे, प्रदेश स्तर पर मामले पर बात करेंगे। फतेहपुर जिले के चौकस्थ सराफा व्यापारी आनंद स्वरूप स्तोगी को बीते दिनों गिरोह गांठ के लेन देन को लेकर एक वर्ग विशेष के लोगों ने सरकलम करने की धमकी देते हुए सोना लूटने का प्रयास किया। इस मामले के स्थानीय चौकी पर शिकायत करने पर चौकी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे भयभीत होकर सराफा व्यापारी आनंद स्वरूप स्तोगी ने सराफा व्यापार मंडल अध्यक्ष कुलदीप स्तोगी उर्फ पप्पन से इस मामले पर कार्रवाई की बात किया। आज एसपी साहब के पास जो हम लोग आए हैं उसका मेन कारण ये है कि आज आनंद स्वरूप रस्तोगी जी को जान से मारने की धमकी दी गई। उनके व्यापार प्रतिष्ठान में नौशाद नाम का व्यक्ति ने उनको हार्म करने की कोशिश करी और दो दिन तीन दिन पहले की ये घटना रही और आज जो है उनको और प्रताड़ित किया गया। और मामला ये है और प्रशासन से मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं अखिल भारतीय सनातन राज धर्म परिषद का प्रदेश अध्यक्ष शुभम रस्तोगी मेरा नाम है। मैं ये चाहता हूँ शासन और प्रशासन दोनों से ये कहना चाहता हूँ कि सराफा मार्केट में इस तरह की घटनाएं एज आ समझ लीजिए रोज का हो गया, इसको रोक लगाया जाए और एक कमेटी गठित करें। सर पे ही कोतवाली है चौक में, उस थाना भी लगता है, पर इस तरह की घटनाएं जब आ जाती हैं तो बड़ा सोचने का एक विषय हो जाता है कि सराफा मार्केट अपने हाथ में जान रख करके निकले। समय आने पर टैक्सेशन दे रहा है, हर व्यवस्थाओं को कर रहा है, चंदा दे रहा है, तमाम चीज़ें हैं। आज उनके लिए अगर कोई चीज़ नहीं हो पाती तो बड़ा ये गलत विषय है। और अपराधियों का इतना मन चढ़ गया है और ऐसी सरकार जिसने अपराधियों की कमर तोड़ दी, आज फतेहपुर जनपद में इस तरह की वारदात हो जाना ये बड़ा निंदनीय है और प्रशासन को इसमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए। मामला क्या है? मामला ये है कि मामला लेन देन का मामला था। अब वो व्यक्ति ने पहले भी उनको काफ़ी ज़्यादा धमकी आनंद स्वरूप रस्तोगी को दिया, धमकी यही दिया कि भैया लेन देन का मामला था और उसके बाद उन्होंने जान से मारने की धमकी दी। अब इस तरह की चीज़ें अगर आ रही हैं एक व्यापारी को और प्रतिष्ठित व्यापारी को, ऐसा नहीं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, चौकी जो आप चौकी थाना वगैरह में महिला और को बुला लेना घर से, बल्कि आप समझिए उस लड़के के चक्कर में जिसने धमकी दे रहा है वो लड़का चौकी पहुंचता है, उसके बाद इनको बुलाया जाता है परिवार के लोगों को, क्या ये उचित है? जब महिला को बुलाया जाता है तो महिला आयोग महिला समिति के लोगों को, भाई प्रशासन क्या है? मुकदमा दर्ज होने के बावजूद आप एसपी साहब के यहाँ आए हैं, क्या है? हम ये चाहते हैं आज उनके ऊपर हमला ये हुआ कि उनको डराया गया, धमकाया गया, उसके बाद हमले करने की क्षमता वो करी, इसलिए आज व्यापारी आक्रोश में आ गया है और शासन प्रशासन दोनों इस चीज़ को ये बिल्कुल गांठ बांध लें कि तुरंत मुकदमा दर्ज कराए, उसको तुरंत रियासत में ले। तो ये आज स्वतः दोबारा ये घटना घटी है, ये दोबारा ये घटना घटी है और ये बहुत निंदनीय है। ये बार बार ऐसा अगर इस तरह होता रहेगा तो ये व्यापारी, जैसा कि आज व्यापारी बंदी करे हुए हैं, कब तक ये चलेगा? ये जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता, जब तक वो गिरफ्तार नहीं हो जाता तब तक ये व्यापारी जो है बंद रखेंगे और इसमें कतई सुनवाई नहीं होगी। ये मेरा नाम शुभम रस्तोगी है और मैं अखिल भारतीय सनातन राज धर्म परिषद का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमारे उन्होंने आश्वासन दिया, आश्वासन देने के बाद जल्दी से जल्दी पकड़ने का प्रयास करेंगे और व्यापारियों की सुरक्षा के लिए बंद करेंगे एवं सीओ और वहाँ के पुलिस अधिकारियों के साथ व्यापारियों की एक बैठक करेंगे। मामला क्या था? मामला हमारा ये था, हमारे यहाँ एक कस्टमर आया, उसका गिरवी रखा हुआ था, छोटे चार वाले गिरवी को छुड़ा रहा था, पहले वाले गिरवी को नहीं छुड़ा रहा था। तो बस मैंने इतना ही कहा उससे कि पहले वाले को छुड़ा दो या उसका ब्याज दे दो, बाद वाले को आ। धमकी किस तरीके की दी गई? और फिर उसने धमकी दी। क्या धमकी?
और बहुत तेज किया उसने धमकी में, गाली गलौज किया और कहा सर कलम कर रहा है। तो जैसा कि इसमें माफ़ी भी उसने मांग ली थी, अब मुकदमा दर्ज हो गया, क्या दोबारा स्वतः ऐसी फिर दोबारा घटना की? माफ़ी कहाँ, माफ़ी जब उसे मांग रहा था जब तक उसको फुटेज नहीं दिखाया गया, उसकी आवाज़ नहीं दिखाई गई और सब मीडिया के अंदर खड़े हुए थे, तो उसके जब उसको ये मालूम हो गया कि हमारी गलती है, तब उसने कहा हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। अब क्या किस तरीके का दबाव बनाया जा रहा है? मुकदमा दर्ज होने के बाद दिक्कत क्या आ रही है? मुकदमा दर्ज होने के बाद उसकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं और मुलजिम को पकड़ा नहीं गया, उसकी जो दुकान है वो बराबर खुल रही है, उसे पुलिस डिपार्टमेंट ने बंद भी नहीं कराया और न उसके घर के किसी आदमी। चौकी वाली, क्या नाम है आपका? हमारा नाम आनंद स्वरूप प्रस्तुत लाठी महाल फतेहपुर चौकी डाकर। जिस पर सराफा व्यापारी संगठन ने आज पुलिस अधीक्षक उदय शंकर सिंह से मिलते हुए धमकी देने वाले आरोपियों को गिरफ्तारी की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई। व्यापारियों के साथ पहुंचे सनातन धर्म रक्षा के प्रदेश अध्यक्ष शुभम स्तोगी ने कहा कि एक वर्ग विशेष द्वारा सरकलम करने की धमकी देकर हिंदुओं को डराने का काम किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मामले को वे प्रादेशिक स्तर पर बात करेंगे। पीड़ित आनंद स्वरूप स्तोगी ने बताया कि वे अपनी दुकान पर बैठे हुए थे, तभी अबू नगर रेडिया के रहने वाले नौशाद व अल्ताफ चौक स्थित दुकान में आकर गिरवी रखे हुए जेवरात की मांग करने लगे, तो उनसे हमने कई वर्ष पहले रखे गए गिरवी जेवरात को छुड़ाने की बात कही, तो नए गिरवी रखे जेवरात छुड़ाने की मांग करते हुए दोनों सर कलम करने की धमकी देने लगे। पुराना गिरवी जेवरात नहीं छुड़ाया गया, वही जेवरात दे दो। पुलिस के समझाने के बावजूद दोनों जवान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, इस पर सख्त कार्रवाई हो, इसलिए हम सभी व्यापारी पुलिस अधीक्षक से आरोपियों को जेल भेजने की मांग किया है। फतेहपुर से सत्येंद्र यादव की खास रिपोर्ट। Please visit the Mountain Cafe and Bakery for fast food nearby Sohagi Bypass. शिफ्टिंग की टेंशन, अब नो टेंशन। शिफ्ट को पैकर्स एंड मूवर्स है ना, जो आपके घर के पूरे सामान के साथ आपकी बाइक व कार को सुरक्षित एवं जिम्मेदारी के साथ आपके घर तक पहुंचाता है। तो आप देख इस बात की आज ही संपर्क करें 8821000717।